Hey guys, welcome back to another video. मेरा नाम है जी और आप देख रहे हो टर्बो मैटिक्स। आज हम बैठे हुए हैं एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो इंडियन मार्केट में आई गेस वन ऑफ द बेस्ट रेटेड कार होगी। हम बैठे हुए हैं एक्सयूवी 300 में और आज हम आपको बढ़िया इंटीरियर रिव्यू देने वाले हैं इस गाड़ी का। सेफ्टी की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ड्राइविंग कम्फर्ट की बात करेंगे, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं कि स्टार्टअप नॉइस कैसा है इस गाड़ी का। लॉक अनलॉक और सायरन का ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी में और ये आपकी की जो है वो अनफोल्ड हो जाती है। तो इसको हम स्टार्टअप करके दिखाते हैं आपको गाड़ी का कि इसकी इंजन नॉइस कितनी है। सिंस ये डीजल वेरिएंट है तो इसमें आपको इंजन नॉइस थोड़ी सी महसूस हुई होगी जब ये स्टार्ट हुई थी गाड़ी, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा जर्क नहीं है। मतलब स्टार्ट होने के बाद गाड़ी स्मूथ फील करती है। आपको बढ़िया एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको अगर स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग में आपको इसमें आपके वॉल्यूम कंट्रोल ऑप्शन मिलेंगे, कॉल पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, आपके जो म्यूजिक मोड है उसको चेंज करने का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा और जो सॉन्ग है उसको चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। पुरानी वाली बैजिंग मिलेगी महिंद्रा की, नया लोगो यहाँ पे नहीं है। इस वाले मॉडल में क्रूज कंट्रोल नहीं है, अगर क्रूज कंट्रोल होता तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल ऑप्शन मिल जाते। तो विंडो कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको जो साइड मिरर है ORVM से उसको कंट्रोल करने के ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आइडियल स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन है, आप क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप अपनी जो हेडलाइट है उनकी पोजीशंस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा वेल पुट टुगेदर लग रहा है मुझे, एटलीस्ट काफी अच्छा मटेरियल यूज हुआ है, काफी हार्ड मटेरियल यूज हुआ है, गुड क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है। आपको अच्छे 4 ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे, 2 छोटे और 2 लंबे जो मिडल वाले हैं। और यहाँ पे आपको LCD स्क्रीन मिसिंग लग रही होगी, बट इस मॉडल में LCD स्क्रीन नहीं आती है। यहाँ पे आपको सारे मेनू कंट्रोल ऑप्शंस, यहाँ पे आपके वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ पे हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा टेम्परेचर अप डाउन करने का ऑप्शन यहाँ मिलता है। अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके AC फ्लो ऑप्शन। ज्यादातर मुझे लग रहा है इसमें 2 ही चीज जहाँ है जो मेनली हाईलाइटर है, एक तो है इसका म्यूजिक कंट्रोल और दूसरा है AC कंट्रोल ऑप्शन। यहाँ पे भी सिर्फ AC कंट्रोल ऑप्शन है, यहाँ पे म्यूजिक, दैट्स इट। यहाँ पे एक ऑडियो जैक मिलेगा और अगर चार्जिंग की बात करो तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे एक नीचे चार्जिंग डॉक मिल जाएगा। इसमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है इस गाड़ी में। सो गाइस अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो आपको बहुत ही बढ़िया हेड स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। हाइट टॉल भी है तो भी आपको ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, बकेट सीट्स नहीं है बट सीट्स आर बिग इनफ और जो आपका हेडरेस्ट है वो भी अच्छी पोजीशन में दिया हुआ है तो इसके वजह से आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता और कंफर्टेबल राइड प्रॉमिस करती है ये गाड़ी। डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग कंफर्ट आप अपनी स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हो। जब आप ड्राइव करते हो तो आपको एक अच्छा अंदाजा रहता है कि आपकी गाड़ी कितना मतलब दूर है सामने वाली गाड़ी से। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ के साथ आती है जिसके कंट्रोल ऑप्शन सारे यहाँ पे हैं तो आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हो अपने सनरूफ को। गाइस अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो गाड़ी में आपको भर भर के स्टोरेज स्पेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 1 लीटर बोतल रखने की जगह यहाँ पे मिल जाएगी, एक छोटी बोतल आप कप या यहाँ पे भी रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स फोन वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे आपको आगे एक बढ़िया स्पेस मिली है टू कीप योर फोन वाइल चार्जिंग देम। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 कप होल्डर मिलते, कीज वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे ये स्पेस मुझे सबसे अच्छी लगती है इस गाड़ी में क्योंकि जब आप फोन वगैरह है जो आपका को पैसेंजर है उसके फोन वोन रखने के लिए जगह जो है यहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंट कर देती है। ग्लव बॉक्स है वो भी अच्छा स्पेसियस है, अच्छी खासी डेप्थ है उसकी। सो गाइस ने फ्रंट सीट की तो बात कर ली, अब हम चलते हैं टू द बैक सीट ऑफ दिस कार और आपको क्विक बैक सीट रिव्यू देते हैं ऑफ XUV 300। और गाइस जैसा आपने ट्रेलर वगैरह देखे ही होंगे दैट XUV 300 का नया मॉडल आने वाला है, दैट इज XUV 300 3XO। काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है क्योंकि एक फेसलिफ्ट काइंड ऑफ अपग्रेड मिला है इस गाड़ी को और हम बहुत ही जल्द उसका भी फर्स्ट व्यू फर्स्ट लुक रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। अभी हम चलते हैं बैक सीट पे, आपको बढ़िया क्विक बैक सीट रिव्यू देते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं टू द बैक सीट ऑफ XUV 300। फर्स्ट इंप्रेशन बोलू व्हेन आई एम सिटिंग इन दिस कार इज रियली स्पेशियस, काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं और लेग रूम इतना ज्यादा नहीं है बट कंफर्ट वाइज अगर आप लेग अपने इजीली टक इन कर सकते हो नीचे तो आपको कंफर्ट तो अच्छा मिलेगा। बढ़िया लीन बैक पोजिशन में आपकी बैक सीट्स हैं और आपको हेड रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसके अलावा आप 3 लोग इसमें बैठ सकते हो गाड़ी में, ये वैसे तो 5 सीटर है
बट आई वुड रिकमेंड कि चार लोग अगर बैठ रहे हैं और बढ़िया आराम से राइड एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। अगर पतले पतले लोग हैं तो तीन लोग और आगे दो लोग, पांच लोग आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोरेज के हिसाब से आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी 1 लीटर बोतल रखने की जगह और थोड़ा बहुत और स्पेस अपना सामान वामान रखने की जगह वहाँ पे मिल जाएगी आपको। ऊपर आपको मिल जाएंगे हैंड रेल्स, अपनी विंडो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और लॉक अनलॉक भी ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। कुछ कुछ गाड़ियों में आजकल बैक सीट पैसेंजर के लिए लॉक अनलॉक यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि आप मैनुअली खोल के गाड़ी से बाहर निकल सको। सो गाइस, ये था ओवरऑल ए शॉर्ट क्रिस्प इंटीरियर रिव्यू ऑफ महिंद्रा XUV 300 एंड आई वुड रिकमेंड दिस कार एनी डे, क्योंकि इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है, जो सेफ्टी एनकैप रेटिंग है, वन ऑफ द हाईएस्ट है इन इंडियन कार्स। इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, इसमें 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो आजकल हर गाड़ी देती नहीं है, मतलब इसके लोअर वेरियंट है उसमें भी आपको बढ़िया डिस्क मिलते हैं। ये गाड़ी बढ़िया है, तो अगर आप ये मॉडल भी कंसीडर कर रहे हो लेने का तो आप हिचकिचाओ मत, आप बढ़िया ये मॉडल भी खरीद सकते हो, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये गाड़ी। अगर एवरेज की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको 15 से 16 का एवरेज मैक्सिमम देगी, एवरेज थोड़ा कम है बट सेफ्टी परफॉर्मेंस और कंफर्ट में गाड़ी टॉप पे है फॉर श्योर। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द। दिस इज ए साइनिंग ऑफ From Turbomatics, keep watching.